नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं संध्या। आज हम आपको ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आज कई किसान भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। इस खेती की खास बात यह है कि यह खेती किसी भी बंजर जमीन पर आसानी से हो सकती है, जहां अमूमन कोई और फसल नहीं होती। इसके लिए किसानों को सरकार की ओर से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सेमियालता के पौधों पर कुसुम लाह की खेती होती है। खास बात यह है कि बेकार परती पड़ी जमीन पर भी सेमियालता के पौधे बड़े आराम से उगाए जा सकते हैं। यही नहीं, साल में दो बार आप इससे फसल ले सकते हैं। राज्य के कई किसान सेमियालता की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। रांची के हसातू गांव निवासी जगनू राव भी उन्हीं किसानों में से हैं। जगनू ने पहले रांची के नामकुम स्थित लाह अनुसंधान केंद्र से इसका प्रशिक्षण लिया और सेमियालता की खेती में जुट गए। पहली बार में ही अच्छा मुनाफा देख जगनू ने इसकी खेती का दायरा बढ़ाने की ठान ली है। तो पहले नामकुम में जो है लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद उस पौधा के बारे में वहीं हमको पता चला कि सेमियालता का पौधा में कुसुमी लाह का खेती होता है। तो वहाँ डेमो के लिए कुछ उन लोग खोजना था विभाग वाला का, तो हमको दिया। तो 10 डिसमिल में हम लगाए फर्स्ट बार में। तो 10 डिसमिल में लगाने के बाद उसे हम लाह का खेती किए। लाह का खेती करने के बाद पहला फसल में हमको 25,000 मिला। सेमियालता की खेती के लिए किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण के साथ साथ केंद्र प्रायोजित मनरेगा जैसी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जाता है। जगनू बताते हैं कि किसी अन्य फसल के मुकाबले सेमियालता में बहुत ही ज्यादा लाभ है। यही कारण है कि इलाके के कई किसान सेमियालता की खेती के लिए आगे आ रहे हैं। हम लोग 500 किलो था, लेकिन अभी तुरंत समय गिरते गिरते अभी 800-700 केजी हो गया। तो 800-700 केजी हो गया तो हम कोई भी सब्जी उगाएंगे ना तो 800-700-500 केजी नहीं बिकेगा। जैसे हम लोग का सेब हो गया, संतरा हो गया, दूसरा स्टेट से जैसे आता है तो वहाँ से आने के बाद में हम लोग के यहाँ 100-200 रुपये केजी मिलता है और हम यहाँ उपजाने से हमारा यहाँ मिल जाता है 500-600 रुपये केजी। तो प्रॉफिट तो है ही, नहीं है सो बात नहीं है। किसानों और सरकारी योजनाओं के बीच JSLPS तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है ही। सेमियालता की खेती में लगे किसान भी दूसरे किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गांव में जैसे हमारे पाचा तरफ है, हमारा सदमा तरफ है, प्लस हमारा हेसातू गांव में है, तो इस तरह से हम लोग PG बना रहे हैं, बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं, उसमें ड्रिप की बात कर रहे हैं, प्लस यहां से बेचने की बात कर रहे हैं। अभी लाह यहां से हम लोग ज़्यादा बेच नहीं पा रहे, लेकिन अभी ऐसा हम लोग कर देंगे कि आज यहां पे हम लोग लाह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाए, क्योंकि चूड़ी हम लोग का यहां लाह का बन रहा है और मांझी ब्लॉक में, और हमारे किसान भाई लोग बहन लोग पूरा दोनों को ही मिल के आज ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और आज सुंदर और आकर्षक चूड़ियां बनाने से लेकर दवाओं तक लाह के कई सारे उपयोग हैं। यही कारण है कि लाह की वैश्विक बाजार में जबरदस्त मांग है। जाहिर है सेमियालता की खेती में अकल्पनीय और असीमित संभावनाएं हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।